हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मानी मूवी एक्सप्लेन पर। मैं आपका दोस्त मानवीन आज इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी लेके आया हूँ आपके लिए। और इस मूवी का नाम है इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम। ये मूवी काफ़ी अच्छी है और ख़ास बात ये है हम इंडियंस के लिए कि इसको इंडिया में ही शूट करा गया है और अमरीश पुरी जी इसमें लीड रोल है विलन के रूप में। आपने देखे भी होंगे मीम्स में वो उसके जैसे डेडपुल जैसे थोड़े रूप रहता है उनका, या फिर कह सके विजन जैसा बेस होता है इस मूवी में उनका। और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, लाइनअप है मूवी का, मुझे काफ़ी पसंद आई ये मूवी। लेकिन बस इस मूवी की एक बात ख़राब लगी कि इन्होंने हिंदू कल्चर को थोड़ा गलत बताया और कुछ अजीब सा रूप दे दिया हिंदू कल्चर को। अगर इसको नज़रअंदाज कर दे तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है। और इस मूवी की रेटिंग 8.3 और मैं कहूँ तो सच में मुझे मूवी काफ़ी पसंद आई, मतलब दिल से कह रहा हूँ काफ़ी अच्छी मूवी है। स्टोरी, लाइनअप, एक्टिंग, हीरोइन, हर मतलब हीरोइन भी अच्छी है, मतलब हर चीज़ अच्छी है इस मूवी की। और क्या ही कहूँ अब मैं तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और अगर आपको ये मूवी की लिंक चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। एंड थैंक यू देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है, शंघाई चाइना का। और ईयर होता है 1935। यह एक साल पहले का होता है क्योंकि इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1936 की है, उसमें सर टाइम बताया गया है। इसमें एक फेमस अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस विली अपना यहाँ पर डांस कर रही होती है एक बड़े से होटल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अमरीश पुरी और रोशन सेठ का भी रोल है और वे लीड विलन के रोल में हैं। यहाँ एक बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है विली और ये यहाँ पर डांस कर रही होती है। इसी बच्चे में तीन लोगों को दिखाया जाता है। जो बीच में बैठा हुआ होता है वह एक गुंडा होता है और आसपास दोनों बैठे हुए उसके बच्चे होते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही होती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर जोन्स आते हैं और हमें एक उनके साथ में एक वेटर को दिखाया जाता है और वेटर उन्हें बताता है कि वे तीनों आदमी कहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे उस आदमी के पास पहुँचते हैं तो वह उनसे एक प्राचीन अस्थियों के बारे में पूछता है जो कि एक डायनेस्टी की आखिरी राजा की अस्थियाँ होती हैं। तो जोन्स उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे ने उनसे चुराने की कोशिश करी तो इसलिए उन्होंने उसके बेटे को मार दिया और अब इसके बदले उन्हें हीरा ही चाहिए जिसकी पहले डील हुई थी, तो हीरा देने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर जोन्स एक्ट्रेस विली को पकड़ लेते हैं जिसे वह आदमी जानता था और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और फिर वह आदमी उन्हें सोने के सिक्के के साथ साथ एक बड़ा सा हीरा भी देता है और पास में एक ड्रिंक रख कर दे देता है। तो हीरा मिलने की खुशी में डॉक्टर जोन्स, जब पूरा सब कुछ सेटल हो जाता है तो डॉक्टर जोन्स उस ड्रिंक को पी लेते हैं। लेकिन उस ड्रिंक में होता है जहर और उस जहर का एंटीडोट सिर्फ उस आदमी के पास होता है। तो आदमी बोलता है कि अब हमें अस्थियाँ तो मिल ही चुकी है, साथ में अब हम हीरा भी लेंगे। तो जोन्स अपने उस साथी वेटर को बुला लेते हैं जिसे हमने पहले देखा था और वह उनके ऊपर गन तान देता है और वह उसे एंटीडोट मांगते हैं। लेकिन अचानक से उनका एक बेटा उस वेटर को गोली मार देता है और वह बेचारा वेटर वहीं मर जाता है। लेकिन फिर जब डॉक्टर जोन्स को एकदम से बड़ा काफ़ी गुस्सा आता है और वह साइड में पड़ी हुई एक लंबी सी लोहे की रॉड से उनके एक बेटे को मार देता है और एक बेटे को गोली मार देता है और हाथापाई के चक्कर में वह एंटीडोट नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और साथ में हीरा भी। एक्ट्रेस विली और जोन्स दोनों एक दूसरे की चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो एकदम से डॉक्टर जोन्स को पता लगता है कि एक्ट्रेस विली ने ही उनके वह एंटीडोट अपने पास रख लिए है। तो वह उसे पकड़ लेते हैं और एक बड़े से लोहे के सर्कल के पीछे छुपते छुपते एक खिड़की से नीचे जंप मार देते हैं जहाँ उनकी कार उनकी वेट कर रही थी। और उस कार का ड्राइवर एक छोटा सा बच्चा था जिसे डॉक्टर जोन्स ने अपनी पॉकेट मारते हुए पकड़ा था और उसका नाम होता है छोटू। वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और क्योंकि डॉक्टर जोन्स की काफ़ी वहाँ पर पहचान थी तो वहाँ का एक ऑफिसर उनके लिए 3 टिकट बुक कर देता है एक प्लेन में। लेकिन जाते जाते हमें पता लगता है कि उसके जो ड्राइवर हैं वह उस गुंडे के आदमी हैं और उसकी हर बात मानते हैं और हमें कुछ अंदेशा हो जाता है कि कुछ ना कुछ लफड़ा होगा ही। वे टेक ऑफ करते हैं और इंडिया की बॉर्डर के आसपास पहुंचते हैं तब वह पायलट फ्यूल टैंक को खाली कर देता है और दोनों पायलट पैराशूट लेके निकल जाते हैं और उस पूरे प्लेन में कोई भी पैराशूट नहीं बचता।
जैसे ही विली उठती है तो वह दोनों पायलट को नहीं देख पाती, तो फिर वह डॉक्टर जोन्स को घबराती उठाती है। तो डॉक्टर जोन्स भी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, तो विली मना कर देती है और दोनों और घबराने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर जोन्स को एक आइडिया आता है और वे एक बोट लेते हैं, राफ्ट बोट, और उससे छलांग लगा देते हैं। क्योंकि वे पहाड़ के आसपास होते हैं तो डिस्टेंस कम होती है, तो वे लोग बच जाते हैं और सर से बर्फ पर स्कीइंग करने लग जाते हैं। फिर एक जगह से वह नीचे कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। पानी के तेज़ बहाव के साथ साथ जाते जाते वे इंडिया की बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। बूढ़े से आदमी पर पूछने पर कि दिल्ली किस तरफ है, तो बूढ़ा सा आदमी उन्हें एक तरफ जाने का इशारा करता है। वे एक तरफ जाते हैं तो वहाँ एक उजड़ा हुआ गाँव दिखता है। उस गाँव में कोई नहीं बचता, छोटे छोटे बच्चे सब, कोई नहीं रहता उस गांव में, ना औरतें, ना मर्द, ना छोटे बच्चे, सिर्फ बूढ़ी औरतें और कुछ बूढ़े आदमी। और उन्हें देखकर सब लोग पागल हो जाते हैं, डॉक्टर जोन्स और उनकी टीम को देखकर, और उनके लिए खाना लाते हैं, भले ही उन लोगों के पास कुछ भी खाने का नहीं होता। लेकिन उस तरह के खाने को देखकर एक्ट्रेस विली काफ़ी गुस्सा आता है और खाने से मना कर देती है, लेकिन डॉक्टर जोन्स उसे समझाते हैं और उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं। इतने में वह आदमी उन्हें बोलता है कि तुम्हें भगवान शिव ने भेजा है हम सबकी मदद करने के लिए। तो डॉक्टर जोन्स ने बोलते हैं कि मुझे भगवान शिव ने नहीं भेजा और मैं यहाँ गलती से आ गया और मुझे दिल्ली जाना है। तभी वह आदमी बताता है कि बैंकॉक के राजा ने, बैंकॉक यहाँ एक पास ही महल है जिसकी एक राजा ने उनका पवित्र पत्थर चुरा लिया, जिससे यह पूरा गांव उजड़ गया, उनकी फसलें खराब हो गई, आग लग गई, उनके सारे बच्चे चले गए, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो प्रोफेसर यह जोन्स यह सुनकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। फिर बाद में रात के समय एक बच्चा बैंकॉक महल से भागता हुआ आता है और उसके हाथ में एक कागज़ होता है, कागज़ नहीं, एक तरह का कपड़ा होता है जिसके ऊपर शिव भगवान और कुछ लिखा होता है, और उससे उन्हें पता चलता है कि बैंकॉक में पवित्र शंकरा पत्थर को रखा हुआ है जो शोहरत और किस्मत के हैं और जिससे दुनिया जीती जा सकती है। तो अगले दिन वह बैंकॉक महल के लिए जाने के लिए निकलते हैं अपने अपने हाथियों पर, दिल्ली के लिए जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर जोन्स को पता था कि वे बैंकॉक के लिए ही जाएंगे, लेकिन सब बाकी उन छोटू और विली को लगता है कि वे दिल्ली के लिए जाएंगे जहाँ से वे वापस अपने घर जा पाएंगे। जब वे इस हाथी पर चढ़ते हैं तो विली वहाँ पर चढ़ नहीं पाती और वहाँ पर भी काफ़ी पागलबंदी करती है। आगे जाते वक्त भी वो काफ़ी पागलबंदी करती रहती है, रास्ते में वो अपने हाथी को परेशान करती है जिससे तंग आकर एक बार तो हाथी उसे पानी में गिरा देता है। रात को फिर डॉक्टर जोन्स विली को उस शंकरा पत्थरों के बारे में बताता है। भगवान शिव से एक बार एक आदमी चढ़ता है हिमालय पर्वत पर और उनसे पूरी दुनिया के लिए किस्मत और शोहरत के लिए भगवान शिव उसे 5 शंकरा पत्थर देते हैं, जिन्हें पास पे लाने पर वो सब चमकते हैं और दूर रहने पर वो सिंपल ये पत्थर जैसे होते हैं जिनके ऊपर 3 लकीरें होती हैं। अगले दिन वे सब वापस जाते हैं, लेकिन पिछली रात को विली को काफ़ी भयानक बुरे सपने आते हैं और उसे काफ़ी जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है वो, जो डॉक्टर जोन्स के ऊपर काफ़ी चिढ़ने लग जाती है। अगले दिन सुबह होते हुए सब निकलते हैं और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बैंकॉक महल दिखता है। बैंकॉक महल के रास्ते में उन्हें एक जगह पर काली माता की मूर्ति दिखती है। इस मूवी का मेन प्लॉट यही है कि कुछ हिंदू पुजारी लोग अपनी किस्मत और शोहरत के लिए काली माता को प्रसन्न करने के लिए वे लोग उस शंकरा पत्थर को इकट्ठा करते हैं और फिर कुछ लोगों की बलि देते हैं ताकि उन्हें किस्मत और शोहरत मिलती रहे, और इस मूवी का यही मेन प्लॉट है। उन काली माता की मूर्ति को देखकर सारे हाथी चलाने वाले डर जाते हैं और वे अपने हाथी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे का बैंकॉक महल का रास्ता डॉक्टर जोन्स और उनकी टीम को पैदल ही करना पड़ता है। जैसे ही वे अंदर पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात वहाँ के राजा जालिम सिंह के प्रधानमंत्री छतरलाल से होती है। छतरलाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था और वो डॉक्टर जोन्स को जानता था, तो उनका स्वागत करता है और उन्हें अपने महल में बुलाता है आराम करने के लिए। रात को नाच गाना होता है, राजस्थान स्टैंड में वहाँ पर डांस होता है, नाच गाना होता है, और तभी वहाँ पर रात को एक ब्रिटिश जनरल भी आता है। उसे किसी ने बताया था कि यहाँ पर बलि की प्रथा को अभी भी करा जाता है, इसलिए वहाँ यहाँ पर चेक करना आया था। ब्रिटिशर ऐसा इसमें बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने बलि की प्रथा को पहले ही बैन कर दिया था, लेकिन इस महल में अभी भी प्रथा चालू थी और इसलिए उसे कुछ संदेह था, इसलिए वह यहाँ पर आया था। लेकिन छतरलाल उसे साफ इनकार कर देते हैं और मना कर देते हैं कि यहाँ पर इस तरह की कोई प्रथा नहीं होती और अब उनके राज्य में सब सकुशल रहते हैं। इधर विली भी काफ़ी सज धज कर आती है और उसे लगता है कि महाराज उसे देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और उससे शादी कर लेंगे।
जैसे ही वह खाने की मेज़ पर आते हैं तो विली को पता लगता है कि महाराष्ट्र एक छोटे बच्चे हैं और उनका नाम है दालिम सिंह, और वह अपने अलग ही एटीट्यूड में बैठे रहते हैं। उनका एटीट्यूड को समझ में नहीं आता, इधर छतरलाल जनरल और जो उन सब बातें करते रहते हैं, और हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये काफ़ी गंदा खाना खाते हैं। लेकिन मतलब अब इंडिया में तो इस तरह का खाना नहीं होता, ये तो लिटरली मैं जानता हूँ कि इंडिया के किसी पार्ट में नहीं होता होगा। एक जिन मतलब एक मरे हुए कोबरा को लाते हैं जिसके अंदर से कोबरा या कोई भी सांप मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर से काफ़ी छोटे छोटे सांप के बच्चे निकलते हैं और उन्हें लोग आसपास बैठे हुए सब लोग बग खाते हैं। अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ होता है, मतलब ये तो सरासर गलत ही है, लेकिन चलो ठीक है, मूवी है इन्जॉय करने के लिए। लेकिन काफ़ी गंदा सीन होता है, अलग अलग चीज़ें आती हैं, यहाँ पे केकड़े आते हैं, अजीब से बीटल आते हैं, केकड़े तो चलो ठीक है बीटल आते हैं, और मतलब काफ़ी गंदी गंदी चीज़ आती है। इधर बातों बातों में डॉक्टर जोंस छतरलाल से तो काली की बलि देने की प्रथा के बारे में पूछ लेते हैं और शंकरा पत्थरों के बारे में पूछ लेते हैं। तो काली की बलि देने वाली प्रथा को तो सिरे से नकार देते हैं, और शंकरा पत्थर के पूछने पर वे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं डॉक्टर जोंस से, और उन्हें बोलते हैं कि ये साफ झूठे और हम ऐसे किसी बात में नहीं मानते। और मतलब मैं बता रहा था ना कि काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पर लाते हैं। जब विली उनसे कुछ सादा मांगती है तो एक सूप लाते हैं जिसमें आँखें होती है, और उनके राजा भी जालिम सिंह भी ये साफ मना कर देते हैं कि हमने काली की प्रथा को बंद कर दिया, तो अब यहाँ पे ऐसी कोई प्रथा नहीं होती। उनके मीठे में चिंपांजी के भेजे का ठंडा भेजा लाते हैं जिसे वो खा पाए। तो विली और छोटू और डॉक्टर जोंस कुछ नहीं खाते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में डॉक्टर जोंस विली और छोटू के लिए कुछ फ्रूट्स लाते हैं, और रात को विली को फ्रूट्स और देने जाते हैं ताकि कुछ बात बन जाए। आप समझ ही रहे हो मतलब क्या बात बन जाए। जैसे विली उन फ्रूट्स को खाती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, और वे दोनों करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। लेकिन तभी दोनों में तनातनी हो जाती है क्योंकि विली उन्हें बोल देती है कि तुम तो मेरे पीछे पहले से ही लट्टू थे, और डॉक्टर जोंस यह सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे लट्टू थी और तुम काफ़ी खुश नसीब हो जो मैं तुम्हें मिल रहा हूँ। ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को 5 मिनट का वक्त देते हैं कि कौन पहले किसके कमरे में जाएगा। इधर डॉक्टर जोंस जब वेट कर रहे होते हैं और विली भी वेट कर रही होती है, तभी अचानक उनके ऊपर पीछे से एक आदमी अटैक कर देता है जिससे वह बाल बाल बचते हैं और उसे एक मार देते हैं। तभी जब वह घबरा कर विली के रूम में जाते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं तो उन्हें एक फूलों के गुलदस्ते के ऊपर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। तो उसके सामने जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक मूर्ति दिखती है। वे जब उस मूर्ति को खोलते हैं तो वहाँ एक अंदर सुरंग होती है और उसके ऊपर वही शंकरा पत्थरों का जिक्र होता है। तो छोटू और डॉक्टर जोंस दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। इधर ऊपर विली अपनी पागलपन भी जारी रखती है, ये मतलब एक कॉमेडी टाइप की लड़की होती है, मतलब कुछ भी करती रहती है, एटीट्यूड वाली छुई हुई टाइप की लड़की, कुछ भी मतलब पागलपंदी करती रहती है। इधर डॉक्टर जोंस और छोटू एक पूरे कीड़ों से भरे रूम में आते हैं, फिर वहाँ से निकल कर वे एक गुफा जैसे रूम में पहुँचते हैं जहाँ डॉक्टर जोंस छोटू को समझाते हैं कि जहाँ मैं कदम रखूँ वहीं रखना, लेकिन छोटू गलती से एक पत्थर के ऊपर रख देता है जिससे आसपास के दोनों रूम लॉक हो जाते हैं और दोनों वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और फिर तो डॉक्टर जोंस उसे समझाते हैं कि तुम जाके पीछे एक दीवार से जाके सटकर खड़े हो जाओ, लेकिन छोटू वहाँ पर खड़ा होता है तो उससे एक पत्थर दब जाता है जिससे ऊपर से छत उनकी तरफ आने लग जाती है। वो छत काफ़ी भारी होती है और उसे खील भी निकलती है जिनमें काफ़ी लोगों के सर अटके हुए होते हैं। तो डॉक्टर जोंस और छोटू फिर विली को आवाज़ लगाते हैं उन्हें बचाने के लिए। विली धीरे धीरे नीचे आती है और फिर जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है उसमें से खील भी बाहर आती जाती है और बड़ी खीलें भी बड़ी जाती है। जब विली उन कीड़ों से भरे हुए रूम तक पहुँचे तो काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। फिर डॉक्टर जोंस उसे अंदर से समझाते हैं कि बाहर एक छेद होगा जिसमें एक लीवर होगा। तो फिर विली काफ़ी हिम्मत करके पूरे कीड़े से भरे हुए एक छेद में हाथ डालती है और लीवर को खींचकर उस रूम का गेट खोलती है जिससे वापस वहाँ छत ऊपर जाने लग जाती है। लेकिन वापस जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वापस विली कुछ दबा देती है तो वापस रूम बंद होने लगता है, लेकिन फिर जल्दी जल्दी वे सब वहाँ से निकल जाते हैं और एक बड़ी सी गुफा के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ से उन्हें कुछ आवाज़ आती है तो आवाज़ का पीछा करते करते एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें दिखाई देता है कि काफ़ी सारे लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और काली माता की पूजा कर रहे थे। तो उन्हें वहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक बलि दी जाएगी। तो थोड़ी देर बाद ही हमारे फेवरेट सुपरस्टार अमरीश जी का वहाँ पर एंट्री होती है और उन्हें काफ़ी डरावने रूप में दिखाया गया है, मतलब उनको देखकर काफ़ी अच्छा लगा था जब उन्हें देखा था। तो फिर अमरीश पुरी जी को वहाँ पर विलन के रूप में दिखाया गया, एक पुजारी विलन के रूप में। फिर वहाँ पे एक आदमी की बलि देने के लिए आता है, उस आदमी को भी एक
केज टाइप से बंद कर देती है और अमरीश पुरी उसके पास आते हैं और उसके कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उसके सीने के अंदर हाथ डालते हैं और उसके दिल निकाल लेते हैं। लेकिन जब दिल निकलता है तो आदमी ज़िंदा ही रहता है, मरता नहीं। और ये सब सीन देख के रीली और छोटू काफ़ी डर जाते हैं। फिर उस आदमी को एक ओपनिंग में से अंदर डालते हैं और उसे जला देते हैं। जैसे जैसे वो आदमी जलता है उसका दिल भी जलता रहता है और इस तरह वो काली माता की पूजा करते हैं। और आगे यह भी दिखाया गया है, तीनों शंकर पत्थर को भी दिखाया गया है कि जब ये तीनों पास में रखते हैं तो पूरी लाइट जल जाती है। फिर यह सब खत्म होने के बाद जब सब लोग चल जाते हैं तो डॉक्टर जोंस ऊपर से नीचे उतरते हैं और उन शंकर पत्थर को लेते हैं। और जैसे ही वो लेने होते हैं तो उन्हें कुछ बच्चों के चीखने और रोने की आवाज़ आती थी, तो उस आवाज़ के पीछे जाते तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ एक आदमी बहुत सारे बच्चों को मार रहा होता है और उनसे खुदाई करवा रहा होता है। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ शंकरा पत्थरों और हीरो के लिए यहाँ बच्चों से खुदाई की जा रही है और उस गांव के सारे औरतें बच्चे और मर्द लोगों को यहाँ पर इस खुदाई के लिए लाया गया है। तब वह एक आदमी एक बच्चे को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है और यह सब देखने के बाद डॉक्टर जोंस खुद को रोक नहीं पाते और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वे छोटू और विली तीनों पकड़ा जाते हैं। छोटू और डॉक्टर जोंस को एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ उन्हें एक बच्चा बताता है कि अगर आपने गलती से भी शैतान का खून पी लिया तो आप उनके कब्ज़े में हो जाएंगे। डॉक्टर जोंस को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर जोंस को ये सब पकड़ के भोला राम, जो कि हमारे अमरीश पुरी जी का नाम है, इसमें भोला राम के पास लाते हैं, पुजारी के पास, और उन्हें वह पिलाने की कोशिश करते हैं। वे काफ़ी कोशिश करते हैं कि वे उस खून को ना पिए, शैतान के खून को ना पिए, लेकिन वे जैसे तैसे करके उन्हें वह खून पिला ही देते हैं। हमें यहाँ पे यह भी बताया गया कि जो छोटा राजा होता है जालिम सिंह, वो काला जादू भी करता है और वह डॉक्टर जोंस की गुड़िया बना के उसके अंदर सुई घुसाता है, जिससे डॉक्टर जोंस को काफ़ी दर्द होता है और इस चक्कर में वे खून पी लेते हैं शैतान का खून पीने के बाद डॉक्टर जोंस बदल जाते हैं और पूरी तरह भोला राम के कब्ज़े में आ जाते हैं, या मतलब उसकी हुक्म मानते हैं। इतने में फिर दिखाया गया है कि वे लोग विली को ही बलि देने के लिए लाते हैं, तो भोला राम उसका दिल तो नहीं निकालता है, लेकिन वो डॉक्टर जोंस को बोलता है कि उसे बांध दो और उसकी बलि की तैयारी करो। डॉक्टर जोंस उसके पास जाते हैं, उसके हाथ पाथ बांध कर उसकी बलि की तैयारी करते हैं। इधर छोटू को भी उन सभी बच्चों के साथ हीरे ढूंढने के लिए और उन शंकर पत्थरों को ढूंढने के लिए लगा देते हैं, लेकिन छोटू जैसे तैसे अपनी हथकड़ियाँ तोड़कर वहाँ से भागता है और ऊपर उसी बलि देने वाली जगह पर आ जाता है। इधर विली को अंदर उस केज के अंदर डालते हैं जहाँ पर आग लगती है जिससे आदमी जल जाते हैं। तभी छोटू वहाँ पर आता है और अचानक से एक मशाल से डॉक्टर जोंस के पेट पर वार कर देता है, जिससे ऐसा होता है कि उस पूरा असर ख़त्म हो जाता है और डॉक्टर जोंस अपने होशोवास में आ जाते हैं। फिर वो छोटू को बताते हैं कि अब वह ठीक हो गए हैं और अब उन्हें आगे कुछ प्लान करना है। फिर इतने में वो विली को भी बचा लेते हैं और इतने सब ये होने के चक्कर में भोला राम, जो हमारे अमरीश पुरी जी हैं पुजारी के रोल में, वो भाग जाते हैं। लेकिन उनका जो असिस्टेंट या राजा का असिस्टेंट प्रधानमंत्री छत्रलाल वहाँ पर आता है और लड़ाई के दौरान वो वहाँ पर मर जाता है। फिर वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं, तो डॉक्टर जोंस, विली और छोटू मिलकर इन सभी बच्चों को छुड़ाते हैं और उन सभी गार्ड्स को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ का मेन गार्ड आता है और डॉक्टर जोंस को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लग जाता है। और इधर प्रोफेसर जोंस और उस मेन आदमी की फ़ाइट होती रहती है और मेन आदमी मतलब मेन सेनापति उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से मारता रहता है। छोटू भी बीच में बचा रहता लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन फिर धीरे धीरे डॉक्टर जोंस रिकवर करते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। तभी वह राजा जालिम सिंह वहाँ पर आता है और अपने काले जादू से की मदद से डॉक्टर जोंस के अंदर सुइयाँ की गुड़िया के अंदर सुई डालता है, जिससे डॉक्टर जोंस काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वह हारने लग जाते हैं। और वे दोनों लड़ाई करते करते बेल्ट पर आ जाते हैं और बेल्ट पत्थर तोड़ने की थी जिससे ताकि वहाँ से हीरे मिल सके। लेकिन छोटू को जैसे ही वहाँ देखता है तो वह समझ जाता है और उस बच्चे के पास जाता है और उससे लड़ाई करता है और उससे वहाँ सुई छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है और वह गुड़िया भी दूर फेंक देता है। इधर डॉक्टर जोंस जब वह फ्री हो जाते हैं तो उस आदमी को उस मशीन के अंदर डाल देते हैं, जिससे वह आदमी तो मर जाता है। इधर डॉक्टर जोंस इधर छोटू वापस उस जालिम सिंह से लड़ाई करता रहता है और एक मशाल से उसके पेट पर मार देता है। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि वह छोटा बच्चा भी भोला राम यानी अमरीश पुरी जी के वश में था और वह भी काला जादू का शिकार था, इसलिए वह सब यह कर रहा था।
फिर डॉक्टर जोन्स, विली और छोटू एक छोटी सी माइंस के अंदर चलने वाली छोटी ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वहाँ लोगों से बचते बचाते वहाँ से भागते हैं और फिर एक जगह आकर वे रुक जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि भोला राम ने एक बड़ा सा टैंक फोड़ दिया है जिससे पूरे माइंस के अंदर पानी फैल गया है और अब वे बच नहीं सकते। तो वहाँ से भागते हैं और एक जगह उन्हें ओपनिंग दिखती है, तो वहाँ से बाहर आते हैं और सारा पानी वहाँ निकल जाता है। जैसे वह बाहर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वे दोनों डॉक्टर जोन्स एक साइड पुल की एक साइड है और विली और छोटू पुल की एक साइड है। तो डॉक्टर जोन्स उनसे बोलते हैं कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। डॉक्टर जोन्स जब बीच में आ रहे होते हैं तो तभी उन्हें पता लगता है कि भोला राम के आदमी ने उन्हें दोनों तरफ से कवर कर लिया है और उन्होंने विली और छोटू को भी पकड़ लिया है। तो जैसे जैसे उनके पास लोग भगाने लग जाते हैं और भोला राम भी ब्रिज पर आ जाता है और साथ में छोटू और विली भी, तो वे छोटू को इशारा करते बोलते हैं कि तुम रस्सी पकड़ लो और वे उस रस्सी के ब्रिज को ही काट देते हैं जिससे सब नीचे गिर जाते हैं। और भोला राम, विली और छोटू सब उस ब्रिज पर टंगे हुए होते हैं। फिर भोला राम और डॉक्टर जोन्स के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है नीचे गिराने के लिए, तो भोला राम उस बीच उनके दिल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जोन्स जैसे तैसे बच जाते हैं और भोला राम वापस ऊपर भाग जाते हैं विली और छोटू को मारने के लिए। लेकिन वापस डॉक्टर जोन्स उस तक पहुँच जाते हैं और दोनों के बीच में वापस हाथापाई होती है और भोला राम उनसे वहाँ डॉक्टर जोन्स से वो शंकरा पत्थर छीनने की कोशिश करता है। तो लेकिन इस बीच में दो शंकरा पत्थर तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एक शंकरा पत्थर को डॉक्टर जोन्स बचा लेते हैं और इसी बीच भोला राम के आदमी उनके ऊपर तीर से निशाने भी मारते ही रहते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर जोन्स भोला राम को नीचे बाहर धक्का दे देते हैं जिससे वह मर जाता है, मगरमच्छों का शिकार बन जाता है। और इधर हमें दिखाया गया कि जनरल भी अपने लोगों को साथ में लेके आ जाता है क्योंकि राजा जालिम सिंह उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं भोला राम के बारे में, तो अपने सारे आदमी को लेके आ जाता है। और तभी जनरल के सारे आदमी उन भोला राम के आदमी को कवर कर लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और डॉक्टर जोन्स भी शंकरा पत्थर को लेकर ऊपर आ जाते हैं और वे वापस उसी गाँव में आ जाते हैं उन सभी बच्चों और औरतों को लेकर और शंकरा पत्थर को स्थापित कर देते हैं उसके असली जगह पर, जिससे गांव की और सारी खुशी वापस आ जाती है। और इधर विली और डॉक्टर जोन्स भी वापस प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सभी खुशियां मनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो थैंक यू, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।